हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा अशोका लेलैंड के बारे में। अशोका लेलैंड गाड़ी है, जो दोस्त गाड़ी है इसकी, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं। अशोका लेलैंड वालों की दोस्त गाड़ी जो है दोस्तों, इसका क्या हुआ कि इसका चेसी जो है वो क्रैक हो गई है, और क्रैक भी वो दो दो जगहों से हुई है। वो मैं आपसे बात करूंगा अभी और बताऊंगा कहाँ से क्रैक हुई है बॉडी जो इसकी है। तो दोस्तों बाकी इसका इंजन बिल्कुल ओके है, गियर बिल्कुल ओके है, कंपनी ने डिफरेंशियल इसका बिल्कुल ओके दिया है, हर एक चीज़ की ओके है। सिर्फ प्रॉब्लम है चेसी में, चेसी इसकी 14 गेज की चादर से बनी है। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा, नोटिस करना आप कहाँ से। मैं पहले खोलते वक्त आपको बताया नहीं था क्योंकि मेरे मर्जी नहीं थी वीडियो अपलोड करने की, तो काम काफ़ी ज़्यादा था वर्कशॉप पे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मेरी मर्जी नहीं थी आपको वीडियो अपलोड करने की। मैंने सारा काम इसको खोल दिया है, कैबिन इसका अलग कर दिया है, बॉडी इसकी अलग करके सिर्फ चेसी रह गई है और इंजन इसके साथ फिट है। बाकी वीडियो भी मैं अभी काफ़ी थोड़ा काट बाट के इसको चेसी को बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और बाद में वीडियो बना रहा हूँ। वो भी मेरा मन चाहा कि चलो यार वीडियो बना देते हैं, चलो थोड़ा नेक्स्ट जो गाड़ियाँ निकालेंगे कंपनी वाले थोड़ा उसको देख लेंगे, क्योंकि जो लेगा गाड़ी कस्टमर जो है तो वो थोड़ा अच्छे तरीके से गाड़ी को हैंडल कर सकेगा। अगर देखो गाड़ी बढ़िया है, मैं नहीं बोलता गाड़ी बिल्कुल एक बढ़िया है, सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम है वो चेसी की आ गई है। अभी मैं आपसे क्योंकि मैं आपसे बताता रहता हूँ, आपको महिंद्रा के बारे में भी बताता हूँ, वीडियो अपलोड की है अभी एक दो दिन तक। 207 EX की जो टाटा मोबाइल है, टाटा वालों की 207 EX, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो ऑलरेडी बन के पड़ी है, वो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि नेट थोड़ा स्लो चलता है हमारे जम्मू में, 2G है। तो मैं बात करूंगा आपसे लेलैंड के बारे में। तो मैं अभी आपको बताऊँगा, ये इसका कैबिन देख सकते हो, कैबिन पड़ा है पीछे, ये मैंने खोल दिया है ऑलरेडी, पहले से खोल दिया है। ये देख सकते हो आप, दोस्त है, ये दोस्त गाड़ी है। तो इसका कैबिन मैंने खोल के, बाकी अभी मैं इसको इसकी चेसी के बारे में बताऊंगा। ये हमारे लबू भाई, तो जिन्होंने चेसी रिपेयरिंग करनी है, तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूँ। आप बने रहना मेरे चैनल के साथ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दे, और उसको प्रेस करने के बाद उसको ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों ये गाड़ी है, आप देख सकते हो। तो पहले तो मैं आपको इधर से बताऊंगा, ये हमने इसको वेल्डिंग किया है, अभी मिला के इसको ऐसे कच्चा कर दिया है क्योंकि ये आगे पीछे ना जाए। ये आप देख सकते हो कितना अंदर से भी है, ये भी आपको मैं लाइट ऑन कर देता हूँ उसकी। ये आप देख सकते हो, ये अंदर से ये क्रैक है, दूसरा इधर से देख सकते हो, ये देख सकते हो, उसको हमने इसका पीस निकाला है बाहर, वो भी आपको बताएंगे कहाँ से क्रैक है ये। तो इसकी इधर गाड़ी लगी होती है, ये पड़ी है, इसको निकाल दिया है बाहर क्योंकि इसके नीचे से क्रैक थी, तो बाकी ये गाड़ी निकालनी पड़ी यहाँ से लेके वहाँ तक। गियर बॉक्स के नीचे जैक लगाया है, ये मैं अभी आपको उस साइड जाके भी बता देता हूँ। ये इसको इधर से मिलाया है, इसको ये देख सकते हो। ये दोस्तों प्रॉब्लम कंपनी वालों ने अंदर पीस दिया है, इसके डबल चेसी की है इधर, परंतु उसको अगर वेल्डिंग कर देते तो हो सकता था ये टूटती ना, ऐसे बीच में रख दिया है, अच्छे से वेल्डिंग नहीं की थी इसको, तो इसी के कारण ये टूट गया है और हमको ये पीस निकालना पड़ा। अभी ये आप देख सकते हो, ये पहले का टूटा है, तो अभी इसका पीस निकाल दिया है बाहर, तो ये देख सकते हो आप, इसकी चेसी जो है इसको काफी लंबा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों
अंदर इसके देख सकते हो एक टंका दिया है, एक वेल्डिंग का जो टंका होता है वो एक लगा है, बाकी ये फ्री में पड़ा है। तो अगर इसको मैं मेरे हिसाब से अगर इसमें जो डबल चेसी की है, अगर इसको अंदर वाली साइड से वेल्डिंग थोड़ा किया होता थोड़ा थोड़ा, तो टूटने की पगार पे आज नहीं आती। तो ये दोस्तों ये पूरी गाड़ी इसकी प्रेशन कर दिया है, अंदर की वाली साइड इसके चादर लगाएंगे, फिर वेल्डिंग करेंगे, फिर बाहर से भी चादर लगेगी, तो मैं आपको बता दूंगा फिर बाद में। तो बाहर बारिश आ गई है, आप देख सकते हो कैसे अंधेरा पड़ा है। तो मैं आपको बताऊंगा अंदर चादर कौन सी लगनी है, बाकी दोस्तों वीडियो मैं शॉर्ट में ही दूंगा, इसके भी अंदर वाली साइड में लगाएंगे चादर। चलो ये बाद में देखेंगे, इसको भी करना तो है। दोस्तों ये 8 mm की चादर लाई है, ये देख सकते हो अंदर वाली साइड, इसको फिटिंग करेंगे फिर इसको वेल्डिंग कर देंगे, क्योंकि चेसी फिर ही जाके चलेगी। देख सकते इसको कटिंग करके अंदर वाली साइड उसके फिट करना है। 8 mm की चादर है ये, तो दोस्तों इसकी सारी फिटिंग खोल के हमने केबिन इसका बाहर निकाला था, आप देख सकते हो ये इसका केबिन है अंदर से, वायरिंग इसकी आगे है। दोस्तों अंदर चादर लगेगी, फिर इसको लेयर बजेगी वेल्डिंग की, तो फिर ये टूटेगी नहीं, यहाँ से तो नहीं टूटेगी, आगे पीछे से टूट जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जहाँ से नहीं टूटेगी इधर पक्का काम हो जाएगा। दोस्तों आप लेयर देख सकते हो, बाकी इसकी वेल्डिंग आपको कल दिखाएंगे कैसे इसको फिट करना है, आज अंधेरा हो रहा है और साथ में बारिश आ गई है, सर्दी का मौसम है, तो बाकी मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको बताया था अंदर प्लेट लगाई थी इसके 8 mm की, और बाहर वही बाहर वाली साइड में भी लगा के प्लेट उसको ग्राइंडर से ग्राइंडिंग करके बिल्कुल फिट कर दिया है। इसकी गाड़ी भी फिट हो गई है जो आपको बताई थी, बाकी आगे से थी
आगे से भी हमने अच्छे से वेल्डिंग कर दिया है इसको। तो ये देख सकते हो आप, ये थी अशोका लेलैंड गाड़ी। इसको प्रोटीन भर के पेंट कर दिया है। यहां से अब बिल्कुल नहीं टूटेगी, आप देख सकते हो। आप जजमेंट नहीं करोगे कि टूटी थी कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल ओके है। तो थैंक यू दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है दोस्तों, ये अब जाने को तैयार है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था टाटा सॉरी दोस्त लेलैंड का दोस्त। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।